बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा साकेत मुक्ति आंदोलन की घोषणा करने के बाद हम दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। 5 जून से लेकर 9 जून तक पूरे देश भर में राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया गया। अब उसके बाद दूसरे चरण की हम घोषणा कर रहे हैं। 22 जून 2020 को पूरे देश भर में जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय धरना आंदोलन का ये आंदोलन होगा और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ तीसरा आंदोलन लॉकडाउन के नियम और परिस्थिति को ध्यान में रखकर इसकी हम बाद में घोषणा करेंगे। 1 जुलाई के बाद इसकी हम घोषणा करेंगे और उसके साथ साथ राज्यव्यापी रैली भी 1 जुलाई को ही घोषित करेंगे। साकेत मुक्ति आंदोलन को पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर साथ सहयोग मिल रहा है। विभिन्न संस्था संगठनों ने भी खुलकर इसके लिए साथ सहयोग दिया। इस आंदोलन को, देशव्यापी आंदोलन को आप लोग साथ सहयोग दें। यह आंदोलन स्वाभिमानी आंदोलन है, ये विरासत बचाने वाला आंदोलन है और मूलवासी बहुजनों की विरासत को विदेशी ब्राह्मणों से खतरा पैदा हो गया है, इसीलिए सभी लोगों को इकट्ठा आकर इस आंदोलन को शक्ति दे, साथ समर्थन दे। धन्यवाद। विलास खरा राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी है। उनके नेतृत्व में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा साकेत बचाओ विरासत बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बुद्धिस्ट स्तूप को नष्ट कर दिया गया है जेसीबी लगाकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। उसके विरोध में ये देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 जून से लेकर 9 जून तक राष्ट्रपति जी को निवेदन देने का उन्होंने ऐलान किया था। उस समय हमने उस आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि वामसेप बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का संगठन है। भारत मुक्ति मोर्चा भी तमाम 85% लोगों का, जिसमें माइनॉरिटी सहभागी है, बहुजन क्रांति मोर्चा में भी माइनॉरिटी के लोग सहभागी है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर हमने इसके पहले माइनॉरिटी के तमाम मुद्दों को उठाया है, जिसमें क्रिश्चनों का मामला है, सिखों का मामला है, लिंगायतों का मामला है, जैनों का मामला है और मुसलमानों का मामला है। उसके साथ साथ अभी बुद्धिस्ट लोगों के बहुत मौलिक मुद्दों को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो दूसरे चरण का आंदोलन है, ये दूसरे चरण का आंदोलन जो 22 जून को होने वाला है, ऐसा उनके द्वारा ऐलान किया जा रहा है। जो जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन का ये आंदोलन होगा, जिसके अंतर्गत जिला स्तर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने और तहसीलदार कार्यालय के सामने दिन भर बैठकर इसका प्रदर्शन करना होगा। तो हम लोग सारे देश भर में इसका समर्थन करेंगे और मैं तमाम हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को यह अनुरोध करता हूँ
कि वो इसके लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम से पूरी ताकत के साथ सहयोग करने का काम करे। ये कार्यक्रम सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। इस तरीके से उस पर अमल किया जाना चाहिए। ये दूसरे चरण का आंदोलन होगा। तीसरे चरण का आंदोलन ये 1 जुलाई को 2020 को 1 जुलाई को प्रदर्शन रैलियां 31 राज्यों के 542 जिलों में ये रैलियां प्रदर्शन रैलियों का आयोजन किया जाएगा, ऐसा उनका ऐलान है। उसमें भी हम पूरी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम और मनुष्य बल के साथ सहभागी रहेंगे। इसमें भी मैं कार्यकर्ताओं को पूरे ताकत से तैयारी करने के लिए अनुरोध करता हूं। जहां तक चौथे चरण का कार्यक्रम है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की समस्या को ध्यान में रखते हुए जो देश के 31 राज्यों के राजधानियों में जो स्टेट लेवल की बड़ी रैलियां करने के बारे में उनके द्वारा प्लान बनाया गया है, उनकी तारीखों को जब वो ऐलान करेंगे तब हम भी उनके समर्थन में ऐलान करेंगे। अभी केवल इतना ही कह रहा हूं कि हम उस समय उसका भी समर्थन करने की तैयारी अभी से करें। तैयारी करके रखने से कोई नुकसान नहीं होता है, ये किया जाना चाहिए। तो मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। धन्यवाद।